लोकसभा में कांग्रेस ने आज उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा, मौजूदा स्थिति पर सरकार से सवाल। अधीर रंजन ने किया सवाल, कब स्थिति होगी जेएनके में सामान्य? आप बताइए कि नॉर्मलसी कब आएगा, और वहां से हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा? अमित शाह ने पलटवार किया, कहा स्थिति सामान्य, कांग्रेस की स्थिति सामान्य नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है, कांग्रेस की स्थिति में नॉर्मल नहीं कर सकता। बिल के खिलाफ असम बंद का आह्वान, गुवाहाटी में यात्रियों को मुसीबत, एयरपोर्ट पर परेशान यात्री। बिल पर डिब्रूगढ़ में विरोध, विरोधियों ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन। डिब्रूगढ़ में सीएबी के विरोध में महिलाओं ने भी लिया बंद में हिस्सा। असम के जोरहाट में प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी, लगाए नारे। बिल पर एक विरोध तो दूसरे खुशी, राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने बांटी मिठाई। राजस्थान में पाकिस्तान से करीब 15,000 से 17,000 हिंदू विस्थापित नागरिकता की देख रहे हैं राह, मोदी सरकार जिंदाबाद के लगाए नारे। बिल पास होने की आजम खान ने देश के बंटवारे से की तुलना, कहा उस समय भी धर्म के आधार पर हुआ था विभाजन। उस देशभक्ति की यही सजा है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि लोकतंत्र में दिमाग नहीं सर गिना। ओबीसी ने सरकार पर निशाना साधा, देश को बांटने वाला बिल बताया। मुझे गम और गुस्सा इस बात का है कि आप हुकूमत में रहते हुए आपको इस्लाम और मुसलमानों से इतना फर्क क्यों है? संसद में चर्चा के दौरान एनआरसी का मुद्दा, गृहमंत्री ने कहा जरूर लाएंगे बिल। अफगानिस्तान के शरणार्थियों को बिल में शामिल करने पर अमित शाह की दलील, पीओके से लगी सीमा की याद दिलाई। बिल पास होने पर बीजेपी ने जताई खुशी, राजनाथ ने कहा धार्मिक उत्पीड़न से बचाव है प्रमुख उद्देश्य। बिल लोकसभा में पास, पक्ष में 311, विपक्ष में 80 वोट पड़े, अब राज्यसभा में कल होगा पेश। देर तक चली लोकसभा की कार्यवाही, 12 बजे हुआ मत विभाजन। बिल पर मोदी ने और सभी सांसदों और को ट्वीट करके बधाई दी, भारतीय संस्कृति की भावना के अनुसार बताया। करीब 7 घंटे तक गर्मा गर्म बहस, अमित शाह ने तमाम सवालों के दिए जवाब। लोकसभा से बिल पास होने को कांग्रेस ने बताया संविधान के लिए काला दिन। बिल पर अजमुद्दीन हुए आग बबूला, सुप्रीम कोर्ट में जाने की कही बात। किशनगंज में AIMIM का प्रदर्शन, बदरुद्दीन अजमल ने इसे गलत बताया। बिहार में बिल का प्रदर्शन, ओवैसी की पार्टी ने किशनगंज में किया प्रदर्शन। बिल को लेकर कई जगह हुआ प्रदर्शन, 16 संगठनों ने 12 घंटे का असम बंद बुलाया। बिल के खिलाफ गुवाहाटी में मशाल लेकर निकले छात्र, आज भी बंद का ऐलान। असम के गोलाघाट में बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। ममता ने मोदी सरकार को दी चुनौती, कहा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा एनआरसी और सीएबी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, एनआरसी बिल पास हुआ तो प्रयागराज से करीब 1 लाख घुसपैठिए होंगे बाहर।
मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी, परेशान किसानों ने विदिशा में लूटा खाद से भरा ट्रक। विदिशा में 500 टन यूरिया की थी डिमांड, इंतजार में थे 2500 किसान। निर्भया गैंगरेप हत्या के दोषी विनय शर्मा की फांसी पर अटकले तेज, मंडोली जेल से तिहाड़ लाया गया। बक्सर जेल को मिला फांसी के फंदे की रस्सी तैयार करने का आदेश, अफजल गुरु की फांसी के लिए यहीं से आया था फंदा। तिहाड़ प्रशासन के पास नहीं है कोई जल्लाद, फांसी देने की स्थिति में दूसरे राज्य की मदद लेने की तैयारी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में कांस्टेबल ने जताई निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने की इच्छा। अन्ना हजारे का मोदी सरकार को अल्टीमेटम, दोषियों की फांसी की तारीख 7 दिन में तय करो। विरोध के बाद बीएचयू में प्रोफेसर फिरोज खान का बदला गया विभाग, अब कला संकाय में हुआ तबादला। बीएचयू में मुस्लिम टीचर के बाद दलित पर भी हंगामा, संस्कृत विभाग के दलित शिक्षक का आरोप, छात्रों ने किया उन पर हमला। कगिमपुर खेरे में इंसाफ के लिए डिप्टी सीएम के पैरों पर गिरी बुजुर्ग महिला, दबंगों पर जमीन कब्जाने का आरोप। महिला की फरियाद पर एक्शन लेने की बात कही। भोपाल में रेप पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का धरना, 8 महीने पहले हुई थी वारदात। शिवपुरी में बोले कमलनाथ सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री, स्कूल में बेटियां मन लगाकर पढ़ती हैं, बेटे दोस्तों के साथ खेलते हैं बियर पीते हैं। अमरावती में डीडी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। यह सर्वे C-48 की लॉन्चिंग से पहले इसरो के प्रमुख ने की वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा। यह सर्वे C-48 के साथ उड़ान भरेगा, श्रीहरिकोटा से 11 दिसंबर को होगा लॉन्च। भोपाल में जैन गुजराती समाज की पंचायत में प्री वेडिंग शूट, लेडीज संगीत कार्यक्रमों पर ऐतराज जताकर प्रतिबंध लगाया।